पाकिस्तान के लिए एक बुरी खबर है। बुरी खबर यह है कि आप जानते ही होंगे, IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, एक इंटरनेशनल लेवल की संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो जितने भी वर्ल्ड के कंट्रीज होते हैं अगर वहाँ पे कोई मनी की क्राइसिस होती है तो उसे दूर करने के लिए कुछ फंड को अवेलेबल कराता है। तो पाकिस्तान के घरेलू मामलों में दखलंदाजी कर रहा है, ये पाकिस्तान सरकार का कहना है। अब देखो, पहले तो ये समझो कि पाकिस्तान की सरकार को पहले स्टेबिलिटी लानी चाहिए। आपने देखा होगा 9 मई को फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है ना, इमरान खान को अरेस्ट किया गया था। तो उस अरेस्ट के चक्कर में बहुत सारे क्या क्लैशेस हो गए थे। तो अब ये जो आपका IMF का रिलेशन है, पाकिस्तान का बड़ा गहरा रिलेशन है, भाई भाई की तरह मान लीजिए, मतलब उसे अगर पैसों की ज़रूरत होती है पाकिस्तान को, जैसा कि आप जानते हैं कि वहाँ पर मनी की क्राइसिस चल रही है, तो या तो वो OIC अपने मुस्लिम कंट्रीज़ के ऑर्गेनाइजेशन देशों के पास जाता है, या चाइना के पास जाता है, या IMF। बस तीन लोग हैं। अभी अमेरिका के साथ उसका कोई मैटर नहीं, क्योंकि आप जानते हैं बिन लादेन को अबोटाबाद में मार दिया गया था अमेरिका के आर्मी के द्वारा। तो पाकिस्तानी सरकार का कहना है कि हमारे पास प्लान बी मौजूद है, अगर IMF मॉनिटरी फंड को मतलब पैसे को अवेलेबल नहीं कराएगा तो किस्तों के लिए 30 जून, उन्होंने ये भी कहा कि किस्तों के लिए 30 जून आखिरी तारीख है, और IMF हमारे इंटरनल अफेयर में क्यों इंटरफियर कर रहा है। पाकिस्तान की वित्त राज्य मंत्री आयशा गौस के मुताबिक इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की तमाम शर्तें पूरी की जा चुकी हैं, फिर भी IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड पाकिस्तान की इंटरनल अफेयर्स में क्या कर रहा है, इंटरफियर कर रहा है। ऐसा पाकिस्तान सरकार की विदेश मंत्री, या फिर कह सकते हैं वित्त राज्य मंत्री आयशा गौस का कहना है। और शहबाज शरीफ सरकार में वित्त मंत्री हैं, आयशा गौस पाशा ने IMF पर मुल्क के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी करने का भी आरोप लगाया है। आयशा ने कहा कि IMF के मिशन चीफ नॉर्थ पोर्टर नहीं मिली, 9 जून को हमें बजट पेश करना है, और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का यह रवैया रहा तो फिर हमें दूसरे विकल्प देखने होंगे। तो क्या करिएगा मैडम इसके लिए, दूसरे विकल्प के लिए? तो आयशा ने कहा IMF की शर्तें हमारी सरकार ने पूरी की हैं, इसके बावजूद कर्ज की नई किस्त जारी नहीं की गई। खुद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड चीफ से बात कर चुके हैं। क्या आपको मालूम है चीफ का नाम क्या है? नाथन पोर्टर। तो नाथन पोर्टर से बात कर चुके हैं, फिर बताइए कि आप कमी कहां पर रह गई, क्यों पाकिस्तान को कर्ज नहीं दिया जा रहा। आपको बता दें कि पाकिस्तान में महंगाई दर जो है 47% पहुंच चुकी है। इससे भी बड़ी दिक्कत तो ये है कि मुल्क में पाकिस्तान में फूड क्राइसिस चल रहा है, मतलब 500 रुपये किलो आटा चल रहा है, 500 रुपये किलो टमाटर चल रहे हैं, और जो आपकी पेट्रोल है करीब 400 रुपये लीटर है। सोचो, विचार करो, 30 जून आखिरी का तारीख किसके लिए? पाकिस्तान और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के बीच 6.5 अरब डॉलर के कर्ज पर सहमति 2 साल पहले बनी थी। इसकी 2 किस्तें पाकिस्तान को तो मिल चुकी हैं, अब 1.1 अरब डॉलर की तीसरी किस्त जारी होनी है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पा रहा है। इसके बाद 2.7 अरब डॉलर की रिलीज किस्तें जाने हैं। दिक्कत ये है कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हर बार कोई ना कोई अड़ंगा लगा देता है, ये पाकिस्तानी फाइनेंस मिनिस्टर का आरोप है IMF पर, जिससे कर्ज ले रहे हैं उसी पर आरोप लगा रहे हैं। देखो मजे की बात, अगर 30 जून तक बाकी रकम जारी नहीं की गई तो प्रोग्राम ही एक्सपायर हो जाएगा। इसके बाद पाकिस्तान सरकार को यह फंड नहीं मिल सकेगा। आयशा ने इस मुद्दे पर कहा कि हम इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की तरफ देख रहे हैं, इसके बावजूद आंखें बंद नहीं किए हैं। अगर वो हमें कर्ज की किस्त जारी नहीं करता है तो हमारी सरकार के पास प्लान बी मौजूद है। शहबाज शरीफ फरवरी में सऊदी अरब गए थे, आपको मालूम होगा, तब क्राउन प्रिंस ने उन्हें कर्ज का भरोसा दिलाया था, हालांकि अब तक ये पैसा पाकिस्तान के खजाने में नहीं पहुंचा है। तो अब बताइए कहां पर मामला अटका है, कहां अटका है मामला IMF का? IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का कहना है कि पाकिस्तान पहले से अरबों डॉलर के कर्ज में फिस रहा है, अगर अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए पाकिस्तान सरकार सख्त फैसले नहीं करती। पहले पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान आर्मी इमरान खान से तो निपट ले, तब वो अपनी खस्ता हालत को सुधारे, तो इससे पार पाने में आगे काफ़ी मुश्किल होगी। ऐसे में पाकिस्तान की जनता से अलग अलग टैक्स के जरिए 170 अरब रुपए वसूलने की सलाह दी गई है।
IMF की मांग है कि पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए एक्सपोर्ट पर टैक्स कम करे। इसके बाद देश में तैयार माल दूसरे देशों में जाएगा, जिससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। पाकिस्तान को कुछ डॉलर आएंगे। एक शर्त ये भी है कि पाकिस्तान के पास किसी भी हाल में विदेशी मुद्रा भंडार में अमेरिकी डॉलर की कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो बर्बाद हो जाएगा। इसके लिए सऊदी अरब, चीन, यूएई से मदद मांगने के लिए दबाव बनाया जा रहा है और दोस्त भी मदद करने को तैयार नहीं है। जियो न्यूज के मुताबिक यूएई ने पाकिस्तान को कर्ज देने का भरोसा तो दिलाया, लेकिन अब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया। इसके पहले सऊदी अरब ने $2 अरब देने का भरोसा दिलाया था कि कितना कर्ज लेंगे, हालांकि उसने किसी तरह की लिखित गारंटी देने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान सरकार यह बताने को तैयार ही नहीं है कि सऊदी अरब का फंड पाकिस्तान के खजाने में पहुँचा या नहीं। ठीक है, तो ये पाकिस्तान ये इस टाइप की खबरें इसलिए उड़ाता रहता है जिससे IMF को बेवकूफ़ बनाने के लिए। पाकिस्तान की परेशानियां इसलिए भी बढ़ चुकी हैं क्योंकि IMF ने पाकिस्तान की ग्रोथ फोरकास्ट 2% से घटकर कितनी कर दी, 0.5% कर दी घटा करके। इसके मायने ये हुए कि पाकिस्तान को दुनिया के बाकी देश या संस्थान लोन देने से पहले कई बार हजार बार सोचेंगे। दरअसल जिस देश की ग्रोथ प्रिडिक्शन कम या बेहद कम होता है तो उसे कर्ज मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। शहबाज शरीफ पेट्रोल, डीजल और बिजली इतनी इसलिए महंगी नहीं कर रहे क्योंकि पाकिस्तान में अक्टूबर में होने वाले चुनाव में जनता इससे नाराज हो जाएगी। अब उन्होंने दूसरा तरीका निकाला है, क्या एक शर्त ने बिगाड़ा खेल। अब ये IMF का शर्त क्या है? पाकिस्तान के अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की मुताबिक ने गेंद पाकिस्तान के पाले में डाल दी थी। वो साफ कह रहा था कि पहले अपने सहयोगी देशों चीन, सऊदी, यूएई, कतर से 100% गारंटी दिलाइए, इसके बाद किस्त जारी की जाएगी। मतलब मीडिएटर होना चाहिए कोई, है ना? आप लोन लेते हो तो किसी ना किसी को मीडिएटर बनाते हो, वो आपकी जिम्मेदारी लेता है, नहीं तो आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। दूसरी तरफ ये देश कुछ और ही सोच रखते हैं, क्या चारों ही अपने पैसे की गारंटी चाहते हैं? अब इन्हें भी गारंटी चाहिए, उनकी गारंटी कौन देगा, चाइना देगा? इसके लिए उनकी शर्त है कि पाकिस्तान सरकार पहले IMF से गारंटी दिलाए। मतलब साफ है IMF चाहता है कि इन कंट्रियों की जवाबदेही होनी चाहिए और ये चारों कंट्री ये चाहते हैं कि IMF की जवाबदेही होनी चाहिए। मतलब साफ है कि पाकिस्तान को गोल गोल घुमाया जा रहा है। मतलब साफ है कि दोनों ही पक्षों ने पाकिस्तान को उलझा रखा है, कन्फ्यूज कर दिया है। अब भिखारियों को कौन पैसा दे, कहाँ से पैसा आए भिखारियों के लिए? चीन ने $2 अरब लोन रोल ओवर किया, मतलब पैसे वापस लिए, यानी इसकी वसूली कुछ वक्त के लिए टाल दी। IMF और दूसरे देशों के लिए फिक्र की एक बहुत बड़ी वजह पाकिस्तान पर चीन का कर्ज भी है। दरअसल पाकिस्तान ने चीन के प्राइवेट बैंकों से भी पैसा लिया है। इसकी शर्त और ब्याज पर टॉप सीक्रेट है, किसी को नहीं मालूम कितने परसेंटेज का ब्याज लग रहा है, 1 रुपये का 2 रुपये का 10 रुपये का। पाकिस्तान की मुश्किल ये है कि अगर वो IMF और दूसरे देशों को यह शर्त बता देता है तो चीन नाराज हो जाएगा, और अगर शर्तें नहीं बताता तो IMF और दूसरे देश कर्ज नहीं देंगे। अब पाकिस्तान करे तो करे क्या, बस कुछ नहीं, पाकिस्तान अपने सिंध को दे दे, किसे, चीन को दे दे, और क्या, पैसा आ जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।